तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, और जो कि इसका जो प्रूफ है कि ये किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड होता है। तो आप लोगों ने किरचॉफ्स लॉ को पहले डिस्कस कर लिया है, लॉ क्या होता है और उसको अप्लाई कैसे करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट में। तो अब इस लेक्चर में व्हीटस्टोन ब्रिज देखते हैं क्या होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज सिंपली एक क्या होता है, फोर रेजिस्टेंस का एक क्वाड्रिलेटरल अरेंजमेंट होता है, मीन्स क्वाड्रिलेटरल ऑर्डर में। जैसे क्वाड्रिलेटरल में क्या होते हैं, फोर आर्म्स होते हैं, उसी तरीके से इसमें रेजिस्टेंस आर्म होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम उसको ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। सपोज़ ये रेजिस्टेंस है पी, उसके बाद यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लिया क्यू, और फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम लेते हैं आर, एंड देन यस थ्री रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे एज्यूम किया। तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल ऑर्डर में है। यहाँ पे हमें ज्योमेट्रिकल शेप से नहीं मतलब है, मींस ऑर्डर होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल ऑर्डर। अब हमने फोर रेजिस्टेंस हो गए, उसके बाद ये जो यूज़ होता है ये अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। जैसे इसमें से अगर हमें तीन रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है तो हम फोर्थ, जैसे सपोज दैट यस जो हमारे लिए अननोन है तो इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे, बट अभी क्या देखते हैं कि फोर रेजिस्टेंसेस हैं जो कि क्वाड्रिलेटरल ऑर्डर में हैं। अब इस क्वाड्रिलेटरल ऑर्डर में होते हुए इसमें आपको पता है कि अगर दो डायगोनल होती हैं, जैसे इसका नाम अगर दें ए बी सी एंड डी, तो आप देख सकते हो एक ए सी डायगनल है और दूसरा क्या है बी डी डायगनल है। तो किसी एक डायगनल के क्रॉस हम क्या लगाते हैं, सेल, जैसा कि हमने इस डायगनल के अलॉन्ग लगा दिया सेल। सेल को हम जब भी कनेक्ट करते हैं हमेशा एक की हेल्प से कनेक्ट करते हैं। तो की हेल्प से हमने कनेक्ट कर दिया, ये सेल मान लेते हैं बी वोल्ट का है, ये की के वन है। उसके बाद दूसरा डायगनल जो हमारा बचता है बी डी है। अब ये बी डी डायगनल आप देख सकते हो इसके अलॉन्ग हम जो है एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, यहाँ भी एक स्विच हम यूज़ करते हैं जिसे हम के टू नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो गैल्वेनोमीटर, आपको अगर ना पता हो तो आप जान सकते हो कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसे डिवाइस होती है जिससे हम करंट का डिटेक्शन करते हैं, मींस बहुत ही कितना भी स्मॉल करंट हो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर का काम होता है किसी सर्किट में करंट के फ्लो का डिटेक्शन करना, कि मींस करंट फ्लो कर रही है नहीं कर रही है। और इसके बाद आता है इसी से बनता है एमीटर, एमीटर का काम होता है करंट को मेज़र करना। तो बट ये अभी ने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ जो कि इस डायगोनल के क्रॉस करंट को मेज़र करेगी, सॉरी डिटेक्ट करेगी। अब उसके बाद यहाँ पे ये तो हो गया पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसको ब्रिज क्यों बोलते हैं, एक्चुअली में ये दो पॉइंट्स को, जैसे ये गैल्वेनोमीटर ये लगा हुआ है तो ये दो पॉइंट्स को एक तरीके से कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ये ब्रिज, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं। और बिकॉज़ ये जो साइंटिस्ट जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था उनका नाम था व्हीटस्टोन, सो इसीलिए इसका पूरा नाम जो है व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट आते हैं। अब इसका प्रिंसिपल है क्या है कि जब ये बैलेंस होता है, तो बैलेंस बच्चों होने का कंडीशन क्या है कि हम क्या होता है कि पी क्यू मान लेते हैं कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अब हम आर जो होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस बताते हैं इसको, ये जो रेजिस्टेंस होता है ये जो होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, और यस जो होता है ये अननोन रेजिस्टेंस होता है, अननोन रेजिस्टेंस जिसको हमें फाइंड आउट करना है कि यस की वैल्यू क्या है। और पी क्यू आर तीनों हमें नन रेजिस्टेंस होते हैं, बट पी क्यू जो है कॉन्स्टेंट और आर हम मान लेते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो एक्चुअली में जैसे सपोज दैट यहाँ से करंट फ्लो की, करंट फ्लो करने की वजह से यहाँ ना कुछ पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं वी वी पोटेंशियल है। अब हम यहाँ पे पोटेंशियल सपोज करते हैं 10 वोल्ट का है, और यहाँ पे करंट आने के बाद यहाँ पे भी पोटेंशियल कुछ ना कुछ डी पॉइंट पे भी डेवलप होगा, तो डी पॉइंट का पोटेंशियल
अगर b के इक्वल हो जाता है, b और d का पोटेंशियल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उस समय हम बोलेंगे कि इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो जब आपके इस ब्रांच या डायगोनल में करंट फ्लो नहीं करती है, बिकॉज पोटेंशियल इक्वल हो गया, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बट हम ये कह रहे हैं कि अगर इन दोनों B और D का पोटेंशियल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, पोटेंशियल ऑफ B इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D, देन करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो अक्रॉस द BDR। अब ये BDR से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। और ये ध्यान रखिएगा कि हमने स्विच ऑन करने के बाद का ये बता रहे हैं, स्विच ये ऑन है दोनों, तब जाके जैसे स्विच ऑन करेंगे देन करंट फ्लो करेगी, और इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये सर्किट कंप्लीट होगी। तो सो हम कहेंगे कि यहाँ पे आर को हम इस तरीके से मैनेज करते हैं कि ताकि कि जैसे 10 वोल्ट हमने यहाँ पोटेंशियल लिया, तो आर को इस तरीके से मैनेज करें ताकि यहाँ भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल आ जाए। तो जिसकी वजह से जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उस समय हम बोलते हैं कि इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। और जब इससे इस आर्म से या गैल्वेनोमीटर इसीलिए लगाया गया ताकि ये पता कर सके क्या BD के अलॉन्ग कोई करंट फ्लो कर रही है या नहीं। तो गैल्वेनोमीटर से हमें क्या पता चल जाता है कि अगर इसका डिफ्लेक्शन जीरो है तो मीन्स करंट इसमें नहीं फ्लो कर रही, और करंट ना फ्लो करने की सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है कि पॉइंट बी और डी का पोटेंशियल क्या है, इक्वल है। सो ये इक्वल हो देन अब करंट यहाँ फ्लो नहीं कर रही, तो उस समय आपका इनके जो ये रेजिस्टेंस आर्म है इनके बीच एक रिलेशन डेवलप हो जाता है। रिलेशन क्या डेवलप हो जाता है कि यहाँ पे इनके अपोजिट आर्म जो होते हैं, जैसे पी का अपोजिट आर्म एस है, आर का क्या है, क्यू है, इनका जो रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है ये इक्वल होता है उस समय। मींस पी इंटू एस इज इक्वल टू आर इंटू क्यू, ये भी बोल सकते हैं अपोजिट आर्म के रेजिस्टेंसेस का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, इक्वल होगा। मींस पी और एस का प्रोडक्ट और आर और क्यू का प्रोडक्ट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। या इसको हम दूसरे तरीके से इस तरीके से भी बोल सकते हैं, पी क्यू को इधर ले आते हैं, पी बाई क्यू आर है ही है ये, एंड एस को इधर ले आते हैं, तो पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। तो यहाँ से एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं हम कि जब ये बैलेंस होता है तो उस समय कॉन्जुगेट आर्म्स किसे बोलते हैं, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है तो पी कॉन्जुगेट आर्म अगर ये है तो ये जो आपका है ये पी और क्यू क्या है, कॉन्जुगेट है, बिकॉज इसके एंड्स जो है कॉमन है। या ये कह सकते हो पी का कॉन्जुगेट कौन है, आर है। पी का अपोजिट आर्म कौन है, यस है, बट पी का जो कॉन्जुगेट है या आर है या क्यू है। तो आप देख सकते हो कि इसका कॉन्जुगेट क्यू है, तो पी और क्यू का रेशियो, और आर का कॉन्जुगेट कौन है, यस, आर और यस का जो रेजिस्टेंस का रेशियो दोनों क्या है, इक्वल आ रहे हैं। तो आप ये दोनों तरीके से बोल सकते हो। तो इसी को इसका हम ब्रिज स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल बोलते हैं, व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द अपोजिट आर्म्स आर इक्वल और द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉन्जुगेट आर्म्स आर सेम। दोनों बातें सेम चीज़ें हैं। अब उसके बाद आते हैं कि ये बैलेंस अगर होता है तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस होने का मतलब ही क्या होता है, तो सबसे पहली बात ये होती है कि बैलेंस होने के लिए सबसे पहली कंडीशन जो जहाँ से ओरिजिन होता है हम बोल सकते हैं क्या होती है, कि पोटेंशियल ऑफ द बी पॉइंट एंड पोटेंशियल ऑफ द डी पॉइंट आर सेम, पोटेंशियल ऑफ द बी एंड पोटेंशियल ऑफ द डी आर इक्वल। एंड सेकेंड, अब इसी की वजह से क्या होता है, जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं जिसके वजह से इसमें जो करंट फ्लो करती है, एक्चुअली में इस करंट को हम लोग IG से रिप्रेजेंट करते हैं, IG से, IG की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, मीन्स करंट थ्रो द गैल्वेनोमीटर क्या हो जाती है, जीरो। और तीसरी चीज़ कंक्लूजन ये निकल के आती है कि जब ऐसा होता है तो उस समय इनके कॉन्जुगेट आर्म्स का जो रेजिस्टेंस का रेशियो होता है ये सेम होता है, मींस पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। अब इसको कॉन्जुगेट आर्म आप बोलोगे पी और क्यू तो कॉन्जुगेट है, तो इनका रेशियो सेम है, तो आप बोल सकते हो पी और आर भी तो कॉन्जुगेट है, तो इनका और इनका रेशियो भी सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ से उसको भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, पी को फिर से रहने देते हैं
और अब हम आर को लेके आते हैं, आर की इधर लेते हैं, पी वाई आर इक्वल टू क्यू आर लेडी यहाँ पे है और यस ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा, आप देख सकते हो पी बाई आर इक्वल टू क्यू बाई यस। जैसे क्यू का कॉन्जुगेट कौन है, यस है, और पी का क्या हो गया, आर हो गया। तो मतलब कोई भी कॉन्जुगेट्स आर्म की रेजिस्टेंस का रेशियो जो होगा सेम होगा। तो इस तरीके से जब भी वीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होता है, तो बैलेंस का मतलब यही होता है कि उससे गैलोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही, तो इसीलिए हमने गैलोमीटर यहाँ पे लगाया हुआ ताकि हम डिटेक्ट कर सके कब ये बैलेंस है या कब ये अनबैलेंस। अनबैलेंस होने का मतलब है इससे अगर करंट फ्लो कर रही दैट मीन्स आपका ये जो वीट स्टोन ब्रिज है ये बैलेंस नहीं है। सो अब इस कंडीशन को हम अब प्रूफ करने जा रहे हैं कि मतलब अगर ये करंट की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाती है तो ये कंडीशन कैसे आ रही है, मींस कॉन्जुगेट आर्म्स का जो रेशियो इक्वल कैसे आ रहा है, ये कह सकते हैं अपोजिट आर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल कैसे आ रहा है। तो इसको हम प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ। ओके, देन अब प्रूफ में देखते हैं। तो सपोज एक वीट स्टोन ब्रिज है, यहाँ पे P रेजिस्टेंस है, ये Q, ये R और ये S है। उसके बाद हमने इसको कनेक्ट किया एक डायगोनल से, हमने बोला था क्या कनेक्ट करने हमें, A, B, ये मानते हैं C और ये पॉइंट D। तो AC जो डायगोनल है उसके क्रॉस हम एक सेल कनेक्ट कर देते हैं, सेल जो है यहाँ पे कनेक्ट हो गया, मान लेते हैं 20 वोल्ट का सेल कनेक्ट किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके दूसरे डायगोनल पे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। अब हम ये मानते हैं बिकॉज हमें बैलेंस कंडीशन में ये देखने कि इनके जो आर्म्स के रेजिस्टेंस उनका क्या रिलेशन होता है, तो अगर ये बैलेंस है तो हमें यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या दिखानी है, जीरो। तो पहले सबसे पहले हम किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से यहाँ पे करंट ड्रॉ करते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में हम करंट कैसे फ्लो करते हैं, यहाँ पे एक सेल दिख रहा है आपको, तो हमने सपोज़ किया कि यहाँ पे आई करंट जो है फ्लो कर रही है, तो आई करंट यहाँ से जाके ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो सपोज़ करते हैं कि यहाँ पे जो करंट जा रही है इस आर्म में करंट जो है आई बन जा रही है, और उसके बाद इस आर्म में जो करंट है ये मान लेते हैं आई टू करंट जा रही है। तो ये आई वन करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है, यहाँ पे पहुँची। अब यहाँ से बिकॉज गैल्वेनोमीटर का करंट जो है ये जीरो है, मीन्स यहाँ कोई भी करंट, अब ये करंट आई वन यहाँ पहुँची, बट हम ये दोनों का पोटेंशियल अगर सेम कर दिया हमने, मीन्स इसको हम ऑलरेडी बैलेंस कर दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करे, इसका मतलब टोटल करंट I1 जो है इस ब्रांच में फ्लो कर जाएगी। तो सो इस ब्रांच में भी करंट की वैल्यू क्या होगी, I1 होगी। और यहाँ से अगर हम I2 देखें तो I2 R रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ पे, बिकॉज यहाँ से कोई भी करंट नहीं आ रही, तो सो ये I2 करंट ही यहाँ पे आ जाएगी। तो I2 करंट यहाँ पे, तो फिर से यहाँ पे आपका करंट आई हो जाएगा, बिकॉज आई वन प्लस आई टू, ये आई। देन अब उसके बाद क्या करते हैं हम, इस पर हम किरचॉफ्स लॉ यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ दो लूप पे फोकस करना, पहला लूप ये फर्स्ट, आप देख सकते हो ये एक लूप है फर्स्ट और ये एक सेकेंड लूप है, देन फर्स्ट लूप है। तो फर्स्ट लूप में हम कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसके अकॉर्डिंग अगर लें तो एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज एक ही एक रेजिस्टेंस एंटी क्लॉकवाइज, और इसके अकॉर्डिंग ले तो क्लॉकवाइज, तो बिकॉज दोनों में एक में एंटी क्लॉक है एक में क्लॉक है, तो आप जो भी मन करे वो इसकी डायरेक्शन ले सकते हो। तो मान लेते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने ले लिया लूप वन। अब उसके बाद लूप सेकेंड में आते हैं, लूप सेकेंड में भी हमने मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज लूप ले लिया, वन एंड टू दोनों में हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिया, बिकॉज दोनों में लूप में ही दो रेजिस्टेंस हैं और दोनों में एक में क्लॉकवाइज है एक में एंटी क्लॉकवाइज करंट है। इसमें आप देखोगे तो क्लॉकवाइज, इसमें देखोगे तो एंटी क्लॉक, वैसे यहाँ भी क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो सो अब यहाँ पे लूप फर्स्ट के लिए हम
फॉर लूप वन। लूप वन के लिए हम किरचॉफ्स लॉ यूज़ करते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस, जैसे आपकी हाई लो नोटेशन कर ले हम, तो बिकॉज ये हो गया आपका हाई और ये हो गया लो, यहाँ पे ये हाई और ये लो, यहाँ पे ये हाई और ये लो, एंड ये बिकॉज जिस तरफ से करंट इंटर कर रही है उस तरफ हाई और जिस तरफ से लीव कर रही है लो। उसके बाद हम दो ही लूप में करना, तो इस लूप के लिए कुछ भी हम नहीं देखते हैं, इन दोनों लूप के लिए ही डिस्कस कर रहे हैं। तो लूप वन में सबसे पहले आप देख सकते हो ये एंटी क्लॉक, अगर हमने लूप की डायरेक्शन ली है एंटी क्लॉक वाइज, तो एंटी क्लॉक वाइज के लिए ये सपोर्ट कर रहा है, मीन्स एंटी क्लॉक है। तो हम इसके लिए अगर हम इसकी वैल्यू लिखें तो क्या हो जाएगी, ये माइनस, बिकॉज हाई टू लो के लिए हमें क्या पता है, हाई से लो के लिए नेगेटिव डायरेक्शन एंड लो टू हाई के लिए क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो बिकॉज करंट हाई से लो जा रही है तो हम करंट इनटू रेजिस्टेंस माइनस, बिकॉज हाई टू लो करंट इनटू रेजिस्टेंस मींस आई टू इनटू आर। उसके बाद अब हम आते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं बिकॉज इसमें कोई करंट नहीं है। अब आते हैं पी, पी रेजिस्टेंस में कितनी करंट है, आई वन इनटू पी, इसका साइन होना चाहिए नेगेटिव बिकॉज हाई से लो में जा रही है, हाई से लो में नेगेटिव, लेकिन ये हमारे लूप के पाथ के, ये देखिए एंटी क्लॉक हमने लिया हुआ तो ये उसके अपोजिट है, तो सो इसका साइन भी हम अपोजिट कर देंगे, प्लस कर देंगे, इक्वल टू जीरो, बिकॉज अब इसमें कोई भी सेल वगैरह नहीं है तो डायरेक्ट इक्वल टू हम क्या कर देंगे, जीरो। अब यहाँ पर अब इसको हम थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो आई वन पी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई टू इंटू आर, इसे इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं। उसके बाद अब आते हैं सेकेंड इक्वेशंस में, फॉर लूप सेकेंड, सेकेंड लूप में आप देखें, सेकेंड लूप में जैसा कि ये देख सकते हो आप, तो हमने क्या लिया एंटी क्लॉक यहाँ भी लिया, तो ये आपका सपोर्ट कर रहा, तो एंटी क्लॉक के अकॉर्डिंग माइनस ये हो जाएगा आपका, एक्चुअली में सॉरी आई टू करंट है, ये एक्चुअली में देखिए आई टू करंट यहाँ पे पूरी फ्लो कर जाएगी बिकॉज यहाँ पे कोई करंट आ नहीं रही है, तो ये जो करंट होगी यहाँ पे ये होगी आई टू करंट होगी यहाँ पे, और इसमें आई वन आई टू करंट है, तो यस इंटू आई टू, माइनस क्यों लगा है बिकॉज आई टू लो जा रही है। अब इसमें अगर देखें तो ये क्या है क्यू इंटू आई वन माइनस क्यू इंटू आई वन, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये हमारे पाथ के अपोजिट है, जैसे पाथ हमारा क्या एंटी क्लॉक लिए तो ऐसे जाना चाहिए थे करंट, बट उसकी ये अपोजिट आ रही है, तो अपोजिट के लिए साइन भी इसका अपोजिट कर देंगे इक्वल टू जीरो। अब उसमें फिर से हम क्या करते हैं क्यू इंटू आई वन इक्वल टू लिख सकते हैं यस इंटू आई टू, इक्वेशन नंबर टू। अब फर्स्ट इक्वेशन ये है, थर्ड सेकंड इक्वेशन, तो अब हम करते क्या हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन सेकंड से, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दे, तो क्या हो जाएगा ये आई वन पी अपान ये क्या हो जाएगा क्यू इंटू आई टू इंटू आर और यहाँ पे यस इंटू आई टू। अब आप देख सकते हो कि आई वन से आई वन कैंसिल, आई टू से आई टू कैंसिल, देन ये आ गया पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई यस। तो आप देख सकते हो ये कॉन्जुगेट टर्म्स कौन से हैं, पी और क्यू क्या है कॉन्जुगेट टर्म्स हैं, तो सो इनका रेशियो, और दूसरा कॉन्जुगेट कौन सा है आर एंड यस, आर और यस का रेशियो क्या आ गया इक्वल आ गया, तो ये हमारी क्या हो गई कंडीशन हो गई। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P इंटू यस इक्वल टू क्यू इंटू आर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपोजिट टर्म P और यस का प्रोडक्ट एंड Q इंटू आर का प्रोडक्ट दोनों क्या आ गए इक्वल हो गए, ये भी हमने कंडीशन बोल सकते हैं, या यहीं से हम लिख सकते हैं P बाई आर इक्वल टू Q बाई यस, तो P बाई आर, P और R भी कॉन्जुगेट है और क्यू और यस भी कॉन्जुगेट है, तो सो आप यहाँ पे आप बोल सकते हो ये जो है ये कंडीशन हमारी तीनों कंडीशन जिसको हम ने प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से
पीट स्टोन ब्रिज का ये प्रिंसिपल हमने प्रूफ हो गया। अब उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जैसे कि तीन रेजिस्टेंस दिए हैं जिसमें तीनों रेजिस्टेंस इक्वल है, कितने हैं, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू 30 ओम। अब इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि तीनों सीरीज में है, अब इनका इक्वलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस समय इनका इक्वलेंट RS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 प्लस 30 प्लस 30। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इनका 90 ओम आ गया इक्वलेंट। अब इसी में थोड़ा हम चेंज करते हैं, मे बी अगर हमने क्या किया कि इस क्वेश्चन में इन तीनों रेजिस्टेंस को R1, R2 एंड R3 पॉइंट ए एंड बी, अब इसमें थोड़ा सा चेंज किया कि हमने एक कंडक्टिंग वायर ऐसे लगा दिया यहाँ से यहाँ पे और दूसरा कंडक्टिंग वायर हमने यहाँ से यहाँ लगा दिया। तो आपको ये देखना है कि आप ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए आप इक्वलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अब ऐसा नहीं कि अब ये सीरीज में रह गए, अब एक्चुअली में ये इनका कम्बिनेशन बदल गया। अब उस कैसे बदल गया, तो अब ये देखते हैं हम, जैसे R1 का एक इंड आप देख सकते हो A है, ये R1 का एक इंड किससे कनेक्ट है, ये R1 का ये इंड एक इंड आप देख सकते हो A से कनेक्ट है, ये A से कनेक्ट है। R1 का जो दूसरा इंड है सेकेंड इंड, ये देख सकते हो आप यहाँ से होते हुए B से कनेक्ट हो गया, मीन्स ये बी पॉइंट से कनेक्ट हो गया। फिर से आप देख सकते हो R1 का एक इंड किससे है, ए से है, और दूसरा इंड इस कंडक्टिंग वायर के हेल्प से यहाँ से हो गया कनेक्ट, सो बी से। अब R2 देख सकते हो आप, R2 का एक इंड जो है बी से कनेक्ट है और एक इंड जो है ए से कनेक्ट है, मीन्स ए बी के अक्रॉस है R2। उसके बाद R3 में भी देख सकते हो, R3 का एक इंड जो है बी से कनेक्ट है एक ए से। तो इस केस में अब आप देख सकते हो ये एक्चुअली में पैरेलल कम्बिनेशन हो गए। तो पैरेलल देखने में हमें सीरीज लग रहा है बट ये एक्चुअली में हो गए पैरेलल। तो अब इनका इक्वलेंट रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो 1/R इक्वलेंट मींस पैरेलल में 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 3/30 एंड देन RP इक्वल टू 30/3 इक्वल टू 10 ओम, ये आ गया हमारा इक्वलेंट रेजिस्टेंस। अब उसी तरीके से यहाँ पे एक हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल 2। ये बुक का नहीं है, मतलब NCERT का नहीं है, ये रेफरेंस बुक के हैं। तो सो आप सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन ने पूरा लिख रखा है, आप देख सकते हो कि एग्जांपल 2। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से हमने सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। अब यहाँ पे आप इसको सिंपल ओम्स ला से नहीं कर सकते हो, मीन्स कि हम डायरेक्टली इसको हम यहाँ नहीं पता कर सकते कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। तो इसको देखो कैसे हम चेंज करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए तरीका क्या है, जैसे ए पॉइंट है, अब इस पॉइंट को हमने क्या किया सी और इस पॉइंट को ले लिया डी। तो ए पॉइंट यहाँ पे हमने दिखा दिया, ए पॉइंट से कौन कनेक्ट है R1, सो R1 को हम दिखा रहे हैं ए पॉइंट से ये कनेक्ट है R1 एक्चुअली में कहाँ से, ए से सी के बीच। आप देख सकते हो R1 का एक पॉइंट किससे, ए से कनेक्ट है और दूसरा पॉइंट किससे कनेक्ट है सी से। उसके बाद फिर हम देखते हैं, अगर हम देखें R4, तो R4 का एक पॉइंट ए से है, दूसरा किससे है डी से है। तो अब हम R4 मान लेते हैं, यहाँ पे ले लिया हमने R4, ये पॉइंट को हम मान लेते हैं डी यहाँ पे है। अब आप देख सकते हो सी और डी के बीच कौन है, R2 है, सी और डी के बीच R2 मींस ये हो गया R2। अब आते हैं R3 एक्चुअली में किससे कनेक्ट है, R3 बी से कनेक्ट है और R5 भी देख सकते हो बी से। तो बी एक कॉमन पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो कि R3 जो है डी और बी के बीच में है। तो डी और बी के बीच में अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरीके से R बनेगा, ये होगा R3। उसके बाद अगर हम देखें R5 तो किससे कनेक्ट है, R5 का एक इंड जो है सी से है, एक इंड बी से है, सी और बी
सी और बी के क्रॉस कौन है, आर फाइव है। तो इस तरीके से ये रेजिस्टेंस आपके अरेंज हो गए। अब एक्चुअली हमें ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो मान लेते हैं ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल। तो आप देख सकते हो कि ये बीट स्टोन ब्रिज के कम्बिनेशन की बीट स्टोन ब्रिज के ऑर्डर में हो गया, मीन्स क्वाड्रिलेटरल ऑर्डर में हो गया। तो अब इसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जैसा कि आप देख सकते हो आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव की सबकी वैल्यू दे रखी है। तो R1 की वैल्यू कितनी है, ये R1 की है 10, R2 की कितनी है 15, R3 की 10 एंड R4 की 5 एंड R5 की 20। तो जब भी आपको व्हीटस्टोन ब्रिज शेप में दे या ऑर्डर में दे, क्वाड्रिलेटरल ऑर्डर में दे, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या ये बैलेंस है या नहीं है। तो बैलेंस चेक करने के मीन्स करंट तो अभी हमें दे नहीं रखी है, तो इसका मतलब हम ये देख सकते हैं कि इसके रेजिस्टेंस दे सकते हैं। तो इसके कॉन्जुगेट आर्म्स के रेजिस्टेंस हम देखेंगे कि ये क्या बैलेंस है या नहीं। तो हम अपोजिट आर्म्स के जो हैं प्रोडक्ट करके देखते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा R4 इंटू R5 की वैल्यू कितनी आती है, 5 इंटू 20 इक्वल टू 100। अब उसके बाद R1 इंटू R3 की वैल्यू देखते हैं कितना आ रहा, R1 R3 का 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉन्जुगेट सॉरी अपोजिट आर्म्स का जो प्रोडक्ट है ये क्या है, सेम। या रेशियो भी आप देख सकते हो, जैसे देखो इनका इनका रेशियो 1:2 है, इनका इनका भी रेशियो क्या 1:2 है, या इधर से देखें तो भी 1:2 एंड 1:2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो जिसके वजह से अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इसके इस आर्म से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही। अब ये बैलेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस आर्म से करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो अगर यहाँ पे करंट नहीं फ्लो कर रही तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रेजिस्टेंस को कट कर सकते हैं, मीन्स इससे इस सर्किट में कोई मतलब नहीं है। जब इस सर्किट में इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है तो बचे कितने, ये आपके चार बचे। तो चार आपके बचे जिसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि अब इस सर्किट को हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये जैसा कि अब यहाँ पे दिया हुआ है ए एंड ये बी, ये सी एंड डी। तो यहाँ पे दिया है 5, 10 एंड फिर दिया 10 एंड 20, देन 10 एंड 20 इस तरीके से दिया हुआ। तो बिकॉज बीच का हमने गायब कर दिया क्योंकि इसमें करंट नहीं फ्लो कर रही था, हमें इस रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं। तो हटा दिया, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये दोनों सीरीज में हो गए। तो इन दोनों के सीरीज में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनकी जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, सीरीज में 5 प्लस 10 15 ओम, और इन दोनों का कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट 10 प्लस 20 मीन्स 30 ओम। तो अब आप देख सकते हो कि इनके आप इसको फिर से अगर हम सर्किट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। इन दोनों की जगह पे 15 आ गया और इन दोनों की जगह पे 30 आ गया, ये पॉइंट ए एंड बी। अब आप देख सकते हो ये दोनों पैरेलल हैं। तो सो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या जगह 1/15 + 1/30। तो सो यहाँ से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आ जाएगी ये आ जाएगी 3/30, देन आर पी इज इक्वल टू हो जाएगा 30/3 इज इक्वल टू आपका 10 ओम। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो गया। आप ये फिर से देख सकते हो हमने कैसे किया है। सबसे पहले इनको हमने सिंप्लीफाई किया, पहले हमें ये देखना कि यहाँ से ये सर्किट हमने बनाया, इस सर्किट में हमने ये पता किया कि व्हीटस्टोन ब्रिज का ये बैलेंस कंडीशन में है या अनबैलेंस। तो ये आप देख सकते हो बैलेंस कंडीशन में थी, तो बैलेंस कंडीशन में इस कार में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, जिसकी वजह से इसको हमने हटा के ये बना दिया। और इनमें आप देख सकते हो ये दोनों सीरीज में हो गए तो इनका इक्विवेलेंट निकाला, फिर ये दोनों सीरीज में इनका इक्विवेलेंट, अब उसके बाद ये सर्किट बन गई। तो इसके बाद अब इसको हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया। तो ओवरऑल इस तरीके के क्वेश्चन में बोर्ड में भी आते हैं, जैसे इसमें रेजिस्टेंस की जगह हम कैपेसिटर भी दे सकते
सकते हैं। तो कैपेसिटर भी इस तरीके से अगर आपको दे दे और पूछे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, देन आप इस तरीके से पहले सिंप्लीफाई कर लोगे सर्किट और उसके बाद वहाँ पे उसके सीरीज और पैरेलल का जो भी फॉर्मूला उसको लगा के आप उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। अब उसके बाद एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3.8। ये आप ध्यान से देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये आप देख सकते हो कि व्हीट स्टोन ब्रिज शेप का ही, ये डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज शेप का ही है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज शेप का है तो पहले ही हम चेक करते हैं कि बैलेंस है या नहीं। तो बैलेंस कंडीशन चेक करने के लिए क्या करते हैं, अपोजिट आर्म्स का हम प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। तो अपोजिट आर्म का प्रोडक्ट अगर हम करें तो इसको मान लेते हैं अगर हम पी, इसको मान लेते हैं हम क्यू, और ये रेजिस्टेंस को आर, और इसे मान लेते हैं यस। तो आप देख सकते हो क्या होना चाहिए, बैलेंस होने के लिए पी इंटू यस इक्वल टू क्यू इंटू आर होना चाहिए। तो पी एस, तो पी की वैल्यू कितनी है 100, यस की वैल्यू 5। अब यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या है 10, आर की वैल्यू क्या है 60। यह आ रहा 500 और इधर आ रहा 600। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये अनबैलेंस है, अनबैलेंस है। तो अनबैलेंस होने की कंडीशन में अब यहाँ पे इसका मतलब इस आर में करंट फ्लो कर रही होगी। तो करंट फ्लो कर रही तो ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ, ये जो गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा हुआ है तो उसमें करंट की सॉरी उसका कुछ ना कुछ अपने उसके बिकॉज उसके अंदर कॉयल होता है, तो कॉयल का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ये दिया हुआ 15 ओम है, तो हम इसको यहाँ पे चाहें तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते कि जैसे कि एक 15 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ। तो ये रेजिस्टेंस हमने दिखा दिया 15 ओम का। अब हमें इसमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इस गैल्वेनोमीटर से कितनी करंट फ्लो कर रही है, बिकॉज ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस ना होने की कंडीशन में इस आर्म से करंट फ्लो करेगी, तो उस करंट को हम क्या बोल रहे हैं, करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर मींस आईजी। आईजी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है कि इससे कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो उसके लिए अब यहाँ पे सर्किट डायग्राम हम इसका बनाते हैं। सपोज ये 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से आई करंट फ्लो कर रही है। अब ये आई करंट यहाँ पहुँचने के बाद दो पाथ इसको है, अब दोनों में ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों में डिवाइड ये मान लेते हैं कि यहाँ पे आई वन करंट जा रही है और दूसरे में हम मान लेते हैं आई टू करंट। फिर से आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, आई वन करंट, आई करंट ही आ रही है सेल से निकल के, जो कि एक ब्रांच में आई वन करेंट और दूसरे में आई टू करेंट फ्लो कर रही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, बिकॉज ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इनपुट करेंट इक्वल टू आउटपुट करेंट। तो ये हमने कर दिया। अब इसके बाद ये आई वन करेंट यहाँ पे जाके फिर से डिवाइड होगी, इसको दो ब्रांचेस मिलने वाले हैं। तो हम इसमें जो गैल्वेनोमीटर की जो करंट है इसको हम आई जी करेंट मान लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से कितनी करंट जा रही होगी, आई जी मीन्स करेंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। आई जी करेंट यहाँ पे पास हो रही है और यहाँ पे जो करेंट होगी कितनी होगी, बिकॉज ये जो करेंट है कितनी है, ये है आई वन, आई वन करेंट में से आपकी आई जी निकल के इधर आ गई, तो बची कितनी, आई वन माइनस आई जी करेंट, आई वन माइनस आई जी करेंट यहाँ पे पास कर रही। और ये जो आई टू करेंट है, आई टू ये और प्लस आई जी यहाँ से आके दो इनपुट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, दो इनपुट आई टू और आई जी, तो ये मिल के कितने हो जाएंगे, आई टू प्लस आई जी। तो सो अब ये दोनों फिर यहाँ पे मिल के कितने बन जाएंगे, अब आप देख सकते हो ये प्लस सॉरी माइनस आई जी, यहाँ प्लस आई जी, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आई वन है ये प्लस आई टू, तो यहाँ पे करंट जो आ गई आई वन प्लस आई टू, या इसी चीज़ को हम आई लिख सकते हैं बिकॉज आई इक्वल टू क्या है, आई वन प्लस आई टू। तो सो हमने आई करंट फिर से यहाँ पे वापस दे दिया। अब ये इस तरीके से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया। अब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद अब आप देख सकते हो कि ये अनबैलेंस है, इसलिए अब हमें यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये बैलेंस होता तो ये पूरा आर्म कट जाता, उसके बाद ये दोनों सीरीज ये सीरीज इनको सॉल्व करते, उसके बाद ये पैरेलल करके हम जैसा कि पीछे क्वेश्चन में किया उस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते थे। लेकिन ये अनबैलेंस है मीन्स यहाँ से करेंट फ्लो कर रही है, आई जी करेंट हमने मान रखा।
तो यहाँ पे अब इस कंडीशन में हम यहाँ पे किरचॉप्स लॉ यूज़ करेंगे। तो किरचॉप्स लॉ यूज़ करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन लूप बनेंगे। पहला लूप आप देख सकते हो, देखो ध्यान से आप देखिएगा, ये ऐसे जाके ये होते हुए एक लूप ये बन रहा है आपका फर्स्ट लूप। उसके बाद आपका है फर्स्ट लूप यहाँ पे, तो इसकी डायरेक्शन अगर हम देखें तो फर्स्ट लूप की डायरेक्शन जो होगी ये एंटी क्लॉकवाइज होगी इस तरीके से। इस फर्स्ट लूप की डायरेक्शन ऐसे ऐसे होके क्लॉकवाइज, फिर से देख सकते हो ये ऐसे जाके ऐसे ऐसे ये पहला लूप हो गया। उसके बाद सेकंड लूप आप देख सकते हो यहाँ पे हम, तो सेकंड लूप में देखो ये करंट ऐसे जाके ऐसे आ रही, मतलब ये क्लॉकवाइज, बट ये क्या है उसके अपोजिट है, ये उसके अपोजिट है। सो हम दो रेजिस्टेंस में क्लॉकवाइज में हैं, तो सो इसकी डायरेक्शन हम क्लॉकवाइज ही लेंगे। मीन्स लूप टू की भी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, ये बट इसके अपोजिट है, ये वाला अपोजिट है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर जैसे देखें कि इनका और इनका देखें तो इन दोनों का ओरिएंटेशन सेम है, मीन्स एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, ये लूप सॉरी लूप थर्ड एंटी क्लॉक है। तो इसमें ये जो है अपोजिट में आ गया आपका, इस 10 ओम का जो रेजिस्टेंस उसकी करंट होगी ये इसके लूप के अपोजिट। तो इस तरीके से तीनों का डायरेक्शन हमने डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद तीनों का डायरेक्शन डिफाइन करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसके इक्वेशंस बनाना स्टार्ट करते हैं। इक्वेशंस सबसे पहले लूप फर्स्ट का इक्वेशन, तो लूप फर्स्ट में जैसा कि आपको पता है कि हाई लो नोटेशन हम यहाँ पे करते हैं, हाई लो नोटेशन, ये लो ये हाई, उसके बाद फिर से ये हाई और ये लो, यहाँ पे ये हाई होगा ये लो, और ये हमने बिकॉज आई ये रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर हमने दिखा दिया, गैल्वेनोमीटर जो रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू कितना 15 ओम है, तो इस तरफ हाई इस तरफ लो, यहाँ पे ये हाई और ये लो, हाई लो, इस तरीके से सारा ये नोटेशन हो गया। अब सबसे पहला इक्वेशन हम यहाँ पे अगर लिखें, फर्स्ट इक्वेशन इस लूप के लिए, फर्स्ट लूप के लिए इस ये यार जो लूप है, तो इस लूप के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पे प्लस 10 होगा बिकॉज यहाँ पे लो टू हाई, लो से हाई के लिए क्या होता है, लो से हाई के लिए पॉजिटिव एंड हाई से लो के लिए नेगेटिव करेंट, तो सो प्लस 10। उसके बाद क्या आया 60 इंटू आई टू, साइन क्या होगा माइनस। उसके बाद फिर क्या है 5 इंटू आई टू माइनस आई टू प्लस आई जी, इसका साइन भी क्या होगा नेगेटिव बिकॉज हाई से लो, बस तीन चीज़ें हैं इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे 10, अब यहाँ पे माइनस 60 आई टू, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 आई टू, और ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 5 आई जी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आप कर सकते हो 10 माइनस 60 माइनस 5 मीन्स माइनस 65 आई टू, उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस 5 आई जी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ 5 आप देख सकते हो कॉमन है, तो कॉमन लेके हम उधर कर देंगे जीरो हो जाएगा, तो मीन्स ये इस तरीके सिंप्लीफिकेशन करें तो ये 5 कॉमन लेंगे 2 माइनस 13 आई टू माइनस आई जी इक्वल टू जीरो, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये फाइनल इक्वेशन हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अब आते हैं सेकंड इक्वेशन हम बनाते हैं सेकंड लूप से, इस लूप से हम सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। तो सेकंड इक्वेशन के लिए तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमें ये देखना कौन हमारे पाथ के अलोंग है, जैसे ये और ये हमारे पाथ के अलोंग है, इनका और इनका ये अपोजिट है, तो सबसे पहले मान लेते हैं जो अलोंग है उसको कर लेते हैं। तो ये कौन है आई माइनस I1 इंटू 100, ये हो गया करंट इंटू रेजिस्टेंस, फिर माइनस यहाँ पे इसके लिए आप देखेंगे तो 15 इंटू और करंट कितनी है IG, IG हो गई। उसके बाद अब आते हैं यहाँ पे 60 इंटू I2, बट इसका क्योंकि ये हाई टू लो नेगेटिव तो होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन हमें क्या है कि ये हमारे लूप के पाथ के अलोंग नहीं है, उसके अपोजिट है, सो इसको हम पॉजिटिव कर देंगे इक्वल टू जीरो। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
सिंप्लीफाई में क्या हो सकता है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 इसमें भी कॉमन लिया जा सकता है। तो 5 कॉमन जैसे ही लेंगे हम तो -20i1 -3ig और +12i2 इक्वल टू 0 मीन्स 5 से एक तरीके से बोल सकते हो आप डिवाइड कर दे दोनों साइड में। तो ये आ गया फाइनल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से इक्वेशन सेकंड भी बन गया हमारा, -20i1 -3ig और फिर +12i2 इक्वल टू 0। अब आते हैं लूप थर्ड, लूप थर्ड में देखते हैं। लूप थर्ड के लिए क्या है कि ये और ये क्या हमारे इसके सपोर्ट में है, इसी के अलॉन्ग हमारे डिफाइंड डायरेक्शन के। तो सबसे पहले निकाल लिख देते हैं 15ig माइनस साइन बिकॉज i2 लो एंड -5 इंटू i2 प्लस ig और उसके बाद ये है 10 इंटू i1 माइनस ig इक्वल टू 0। अब इसका साइन क्या होगा बिकॉज ये हाई टू लो निगेटिव होना चाहिए था बट यहाँ पे क्या है इसके हमारे अपोजिट है तो इसको हम पॉजिटिव कर देंगे इक्वल टू 0। उसके बाद हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं -15ig -5i2 -5ig +10i1 -10ig इक्वल टू 0 और ये आप देख सकते हो -15ig -5ig और ये -10ig मीन्स हो गया -30ig सबको सम कर दिया। अब i2 देख सकते हो -5i2 और ये हो गया +10i1 इक्वल टू 0 और इसको भी हम 5 से यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं या 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं यह आ जाएगा -6ig -i2 +2i1 इक्वल टू 0। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इस तरीके से इक्वेशन थर्ड भी बन गया -6ig -i2 +2i1 इक्वल टू 0। अब हमें इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जैसे कि आप देख सकते हो कि फर्स्ट इक्वेशन है ये है सेकंड और ये है थर्ड। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें आईजी ही सिर्फ हमें फाइंड करनी है, आईजी की वैल्यू। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि सेकंड और थर्ड इक्वेशन में हम क्या करें, कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करें कि यहाँ पे आईजी यहाँ पे बच जाए और एक कोई टर्म हम इसमें से यहाँ पे एलिमिनेट कर दें। तो एक टर्म कोई भी एलिमिनेट करने के लिए हम करते क्या हैं, सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो इन दोनों इक्वेशंस में, इक्वेशन थर्ड और सेकंड में, थर्ड और सेकंड में एलिमिनेट हम किसको कर सकते हैं, यहाँ पे i1 को एलिमिनेट किया जा सकता है। i1 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना चाहिए हमें, i1 को भी कर सकते हैं और बिकॉज हमें ig और i2 में चाहिए, ig और i2 में एक इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है तो i2 और ig में इन दोनों की हेल्प से भी एक इक्वेशन और बना लेते हैं। तो हमें इसका मतलब i1 यहाँ से एलिमिनेट करना, तो i1 यहाँ पे -20i1 है, यहाँ पे +2i1 तो यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन में। तो हम ये बोलेंगे 10 इज मल्टीप्लाइड इन इक्वेशन थर्ड में हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद फिर क्या करेंगे, करने के बाद जस्ट इसके साथ हम ऐड कर देंगे प्लस इक्वेशन 2। अब 10 से इसमें मल्टीप्लाई करते हो क्या आता है आपका -60ig -10i2 उसके बाद +20i1 इक्वल टू 0। ये बन गया आपका 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद थर्ड इक्वेशन। उसके बाद सेकंड इसमें ले जाके हमें जोड़ना है, ऐड करना है। तो क्या लिखेंगे -20i1 -3ig +12i2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सम करें
तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे माइनस 60 आईजी और माइनस 3 आईजी मींस माइनस 63 आईजी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ आप दोनों को इनको करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 2i2 इक्वल टू 0। तो एक हमें नया इक्वेशन मिल गया आईजी और आईटू में, इसे हम इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट आप देख ही रहे हो, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है कि I2 और IG में है, यहाँ भी ये I2 और IG भी है। तो अब हमें फिर क्या करें, हम इन दोनों की इक्वेशन की हेल्प से, फर्स्ट और फोर्थ की हेल्प से हम क्या करें कि I2 को एलिमिनेट कर दें, I2 को। तो I2 को जैसे ही एलिमिनेट करेंगे देन IG हमारा बच जाएगा, IG की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमें टारगेट क्या है कि I2 को हमें एलिमिनेट करना। तो I2 एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ये क्या हो जाएगा -26 I2, और यहाँ 13 से कर देंगे तो ये +26 I2 हो जाएगा, और फिर हम इसको ऐड कर दें। तो एक्चुअली में हमें करना क्या है कि 13 से मल्टीप्लाई करना है किसमें, इक्वेशन 4 में, और उसके बाद उसके साथ इसको सम करना है किसके साथ, 2 से मल्टीप्लाई करके किसमें, 4 में, सॉरी थर्ड इक्वेशन में, थर्ड में 2 से करना है, थर्ड में 2 से करेंगे बिकॉज 26 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 से करेंगे। तो इस तरीके से ये हमें करना है। तो हम फोर्थ में 13 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, -63 इंटू 13 IG, ओके, इसमें हमने 13 से किया, +26 I2 इक्वल टू 0। और उसके बाद हम फर्स्ट में हम कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 एंड -26 I2, और ये हो जाएगा -2 IG इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन में आप देख सकते हो कि इन दोनों इक्वेशन को सम कर देते हैं हम, जैसा कि हमने किया, तो ये आप देख सकते हो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके बाद आपका बच क्या रहा है, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर आएगा -821 IG और +4 इक्वल टू 0। अब इसमें हम इसको सॉल्व अगर करें तो IG की वैल्यू आ जाएगी 4/821, और इसको सॉल्व करने पे जिसकी वैल्यू आएगी 0.00487 एम्पियर, और इसको लिखा जा सकता है इस तरीके से 4.87 इंटू 10^-3 एम्पियर, या लिख सकते हो आप 4.87 मिली एम्पियर। तो ये आ गई हमारी IG की वैल्यू, मीन्स इस गैल्वेनोमीटर से जो करंट की वैल्यू जा रही है, IG की वैल्यू हमारी आ गई 4.87 मिली एम्पियर। तो आप इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।